हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और मोटिवेशनल मेंटर डॉक्टर केतन टांग। आज मैं आपको वो रूल बताने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर दी है, जिसकी वजह से जो लोग अपनी किस्मत को कोसते थे या फिर अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते थे, वो लोग को भी सक्सेस मिल गया। क्या है ये 5 सेकंड रूल, उसको मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। हर कोई ने ऐसा किया होगा कि रात को जब आप सोते हो और सोचते हो कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और ये काम मुझे निपटाना है, पर किसी ना किसी रीजन की वजह से आप अपने अलार्म को स्नूज कर देते हो या फिर बंद कर देते हो और उठते नहीं हो। और ऐसा ही कुछ हो रहा था मेल रॉबिन्स, जो है 5 सेकंड रूल की इन्वेंटर और बुक की ऑथर। मेल रॉबिन्स के लाइफ में बहुत ही खराब टाइम चल रहा था। उसकी नौकरी चली गई थी, उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और उसका जो हस्बैंड था उसकी भी होटल है वो अच्छी चल नहीं रही थी। एक दिन रात में वो टेलीविजन देख रही थी और उसमें उसने नासा का जो एक स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम था वो देखा। उसमें काउंटडाउन चला 5, 4, 3, 2, 1 और स्पेसशिप लॉन्च हो गया। और तभी मेल के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपने लाइफ का स्पेसशिप है उसको लॉन्च कर दूं। जिस दिन वो रात को सोई तभी यही विचारों के साथ सोई थी कि मुझे सुबह अपने आप को सेल्फ एक्टिवेट करके लॉन्च करना है। और मेरे गुरुजी भी वही कहते हैं कि जैसा आप सोच के रात को सोओगे वैसे ही ख्याल है आपको नेक्स्ट मॉर्निंग आए थे। वो नेक्स्ट मॉर्निंग 3 महीने के बाद वो सुबह जल्दी उठी और बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड थी और उसने सोचा कि चलो मैं अपने लाइफ का रॉकेट है उसको लॉन्च करती हूँ। उसने 5, 4, 3, 2, 1 बोला और अपना काम करने के लिए गई, पर पास्ट फेलियर इतना गहरा था कि उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। फिर से उसने हिम्मत जुटाई और फिर से 5, 4, 3, 2, 1 करके अपने आप को लॉन्च किया और वो वर्क पे चली गई। वापस आई और अपने लैपटॉप पे काम शुरू करने का सोचा, पर फिर भी वो पास्ट फेलियर की वजह से वो कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। तभी फिर से उसने 5, 4, 3, 2, 1 काउंट किया और वो सेल्फ एक्टिवेटेड मोड में आ गई और एक्शन मोड में आ गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया। यही फॉर्मूला उसने अपने हस्बैंड को भी बोला और उसकी वजह से 3 महीने के अंदर उसका ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हुआ और उसको CNN के अंदर न्यूज कमेंटेटर की जॉब मिल गई और आज वो बहुत ही फेमस हुई। उसने यही फॉर्मूला अपने हस्बैंड को भी बोला और उसकी वजह से उसका हस्बैंड का जो होटल है वो भी अच्छा चलने लगा। आप सोचोगे कि ये तो पूरा इडियोटिक है, क्या कोई ऐसे काउंट करके कुछ हो सकता है? रिसर्च में भी प्रूव किया हुआ है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग होती है जिसमें ऐसा होता है कि जब आप कुछ नया काम करने जा रहे हो तो हमारे जो पास्ट फेलियर और पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हमारा ब्रेन हमको एक मैसेज देती है और एक हैबिट लूप बना लेती है कि ये नया काम हमें नहीं करना है। और जब हम ये 5 सेकंड रूल अप्लाई करते हैं तभी हमारे ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है और हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें एक मैसेज जाता है कि हमें ये नया काम करना ही करना है और उसकी वजह से हम लोग है वो नया काम कर सकते हैं। हमारा जो ओवर थिंकिंग मोड है या फिर एनालिसिस पैरालिसिस मोड है उसमें से वो कन्वर्ट होके वो सेल्फ एक्टिवेशन मोड में वो चला जाता है, जिसकी वजह से हम अपने एक्शन ले लेते हैं। एक आदमी ने बहुत अच्छा बोला है कि कितना भी अच्छा आइडिया हो वो किसी काम का नहीं जब तक उसको एक्शन में कन्वर्ट किया नहीं जाएगा। और ये रूल है 5 सेकंड रूल, वो आपको बताएगा कि आप अपने आइडिया को या अपने सपने को कैसे एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये रूल है, उसके बारे में आप सोचिए, उसको अप्लाई कीजिए, तभी आप अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे एम्प्लॉई, अच्छे स्टूडेंट या फिर अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। तो प्लीज 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 ये फॉर्मूला को प्लीज ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल फिलोसॉफी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण।